हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ, जो कि है आम की चटनी। इसको हम बनाएंगे तीन तरीके से, तो आइए देख लेते हैं इसकी रेसिपी। कच्चे आम का सीजन हो और चटनी ना हो तो ये बात थोड़ी सी जमती नहीं है। पहले आम की चटनी बनाने के लिए हमने लिया है आम, हरी मिर्च, और इसके साथ हम डालेंगे सरसों का तेल और नमक। कुछ मसाले हम इसके साथ भून लेंगे, जिसमें कि है कलौंजी, मेथी, जीरा, लाल मिर्च, अजवाइन और सौंफ। इन सभी को हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, उसके बाद हम इसके साथ ही इसको पीस लेंगे। ये तो हो गई हमारी पहली चटनी की तैयारी। तो इसके लिए पहले हम मसाला भून लेते हैं। कढ़ाई को हमने गर्म होने के लिए रख दिया है, उसमें डालेंगे हम मसाला और इसे हम भून लेंगे। इसे हमें ड्राई रोस्ट ही करना है। 2 से 3 मिनट के अंदर ये मसाला अच्छे से भुन जाएगा, उसके बाद हम इस चटनी को पीस कर तैयार कर लेंगे। आप मेरे तरीके से इन चटनियों की रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। ये तीनों ही चटनी बहुत ही लाजवाब बनती है। पहली चटनी बनाने के लिए ये सब तैयारियां हमने कर ली है, इसे हम पीस लेंगे। अब दूसरी चटनी बनाने के लिए हमने लिया है आम, 4 से 5 कली लहसुन, 2 हरी मिर्च, आधा छोटा चम्मच हींग, 1 पुदीना का क्यूब, आप इसकी जगह पर फ्रेश पुदीना भी ले सकते हैं, नमक और सरसों तेल। इन सभी को पीस कर हम दूसरी चटनी बना लेंगे। अब बना लेते हैं हम तीसरी चटनी। तीसरी चटनी के लिए हमने लिया है आम, लहसुन की कलियां 5 से 6 हमने लिए लहसुन की कलियां, 3 लाल मिर्च जिसको हमने गैस पर भून लिया है, तेल और नमक। इनको पीस कर हम तैयार कर लेंगे तीसरी चटनी। ये देखिए, पहले ही वाली चटनी हमारी तैयार हो गई। ये है पंचफोरन वाली चटनी, ये हमारी दूसरी वाली चटनी लहसुन और लाल मिर्च वाली, ये तीसरी वाली चटनी जो कि है मिंट वाली चटनी, या फिर आप कह सकते हैं कि पुदीना और आम वाली चटनी। तो आप इन तीनों चटनियों की रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। आपको जो भी चटनी की रेसिपी पसंद आए मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। रेसिपी पसंद आए तो लाइक जरूर कर दे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, इससे नई वीडियोस की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। थैंक यू।